Corona. 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 <laughs> 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 कितना पैसा तो चाहते <laughs> कि <laughs> <वाँ। laughs> हैं ठीक है <laughs> आजकल हम ना जाने कितने सोशल मीडिया पे है इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप और फिर बहुत कुछ जो पेरेंट्स पहले मोबाइल चलाने से मना करते थे वो आज खुद फ़ोन चला रहे हैं रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टडी के हिसाब से पेरेंट्स बच्चों से तीन गुना ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं जो एवरेज 7.7 पॉइंट आवर्स होता है पूरे दिन का पर ऐसा हुआ कैसे इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कोविड और टिकटॉक ने सबको सोशल मीडिया एडिक्ट बना दिया और कैसे चाइना हार के भी जीत गया 2017 ऐसा साल जब मार्केट पे एक नया ऐप आया टिकट एक ऐसा ऐप जिसका कॉन्सेप्ट था शॉर्ट वीडियोस दिखाना इंडिया एक ऐसा देश है जो कहता है अपने आप को डेवलपिंग पर ये सारे कंट्रीज़ को पता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं पावरफुल यूथ एंड मिसाइल्स जैसे अग्नि पृथ्वी प्रहार और ना जाने कितने घातक वेपन्स हैं हमारे पास आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आप पीछे से वार करोगे तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ब्रिटिशर्स ने भी यही किया था डिवाइड एंड रूल अंत में आके चाइना ने भी यही किया उन्होंने भी हमारे इंडिया में कोविड लाया या कहें तो इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लाया ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं जो कहते हैं कि कोविड चाइना के कारण आया था चलो फैक्ट्स पे बात करते हैं जोरोटिक स्पिल ओवर एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब है कि लगभग 60 टू 75 परसेंट से होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर आते हैं पर इसका लिंग कोविड और चाइना से क्या है चाइना की एक मार्केट है सी फूड होल मार्केट इस थ्योरी के हिसाब से इस मार्केट में एक बेड सेल हुआ था जो अफेक्टेड था कोविड से विच वॉज द कॉज ऑफ डिफरेंट कोविड वेरियंट्स या कहें तो यहाँ से चीजें चालू हुई थी पर क्या ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस था जवाब है हाँ भी और ना भी कोव टू वायरस जो रिस्पॉन्सिबल था कोविड के लिए इसी से मिलता हुआ एक वायरस पाया गया था राइनोलोफस स्पीसीस के बैट्स में ये देखो डब्ल्यू एच ओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सार्स कोव टू ऐसे वायरसेस हैं जिनके सेल्स इवॉल्व है ह्यूमन सेल्स रिसेप्टर्स के लिए मतलब जो ह्यूमंस को ईजिली अफेक्ट कर सकते हैं डब्ल्यू एच ओ और बड़े साइंटिस्ट का कहना है कि ये वाइल्ड लाइफ में इवॉल्व हुए हैं पर अब खुद सोचो एक वायरस जो बेड्स में पाया जाता था वो ह्यूमन सेल्स के लिए इतना अडोपटेड कैसे है और अगर ये ओवर टाइम भी हुआ होगा देन कोविड अचानक आया था 2019 में और आया भी था तो पहला केस चाइना के उन लोगों में आया था जो वुहान में रहते थे वहीं जहाँ पर वो मार्केट था फिर अचानक कोविड बहुत ख़तरनाक बन गया पर क्या कोई वायरस इतनी जल्दी इवॉल्व हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अगर ऐसा होता तो मीडिया इस बारे में बात करती पर आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो दबा दिया जाता है आगे एक और चीज़ है ऐसी फ़िलहाल ये सवाल याद रखना दूसरा लैब लीक थ्योरी चाइना का एक रिसर्च लैब है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यहाँ सार्सकोव टू इस पर रिसर्च हो रहा था कुछ याद आया ये वही वायरस है जो रिस्पॉन्सबल था कोविड के लिए लोगों का मानना है कि लैब की गलती के कारण वायरस लीक हुआ होगा विच रिजल्टेड इन स्प्रेड ऑफ कोविड पर क्या ये गलती थी या कोई साजिश वैसे कोविड का फर्स्ट केस भी वुहान में मिला था जहां वो अफेक्टेड बैट सेल हुआ था पर वो बैट अफेक्ट कैसे हुआ होगा ये लैब भी वुहान में था वहीं जहां वो मार्केट है ये लोग बहुत पहले से ही रिसर्च कर रहे थे कोविड पर शायद इन्होंने ही कोविड सेल्स को ह्यूमन सेल्स के लिए डेवलप किया उसको बेड़ पे डाल के स्प्रेड कर दिया और अपने कंट्री में पहला केस दिखा दिया जिससे ये बचे रहें उसी तरह जैसे अगर चोर चोरी की कंप्लेंट पहले कर दे तो उस पर शक कम हो जाता है बाकी आप सोच लो क्या ये एक चाल थी और या एक गलती जिस पे बात करनी चाहिए वैसे आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम कोविड से तो बच गए पर क्या चाइना सक्सेसफुल नहीं हुआ जवाब है वो हुआ बहुत हद तक हुआ पर कैसे चाइना की दूसरी चाल टिकटॉक जहाँ से यह वीडियो स्टार्ट हुई थी टिकटॉक और कोविड ने साथ में काम किया था टिकटॉक दो में इंडिया में आया कुछ समझे इस बात से चलो मैं समझाता हूँ चाइना को ये अच्छे से पता है कि ऐप में एक गुड अमाउंट ऑफ ऑडियंस लाने में दो से तीन साल की मार्केटिंग लगती है 2017 लोगों को पता चला टिकटॉक के बारे में उस पर ऐसा कंटेंट था जिसको हर एज के लोग देख पा रहे थे चाहे वो आप हो या आपके पेरेंट्स इसीलिए सबको एडिक्शन हुआ फिर कोविड आया सब घर में चले गए कुछ करने को था नहीं तो सब फोन चलाते थे स्पेशली टिकटॉक वहाँ से ही न्यू एडिटी और बेकार के वीडियोस स्प्रेड हुए जिसमें ज्ञान नहीं थी इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है जहाँ यूथ सबसे ज्यादा है मतलब जवान लोग सबसे ज्यादा है चाइना को यह अच्छे से पता है कि अगर सामने से ना सही तो पीछे से वार करते हैं क्योंकि एक कंट्री का यूथ ही उसका फ्यूचर बताता है बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका पास्ट आपका फ्यूचर बताता है तो चाइना ने सोचा होगा कि क्यों ना इनका यूथ ही तोड़ दिया जाए पर टिकटॉक तो सब जगह था चाइना में भी तो चाइना का यूथ ख़राब नहीं हुआ क्या चलो ये देखो चाइना का टिकटॉक यहाँ सिर्फ ज्ञान वाली चीज़ें हैं अबाउट इंजीनियर्स डॉक्टर्स एंड ऑल आप में से कितनों को लगता है कि अब जॉब नहीं बची हैं या इंजीनियरिंग एक अच्छी जॉब नहीं है ये सब हमारे दिमाग में डाला टिकटॉक ने हमारा ब्रेन वॉश किया सिर्फ ये ही नहीं और भी चीज़ें जैसे इनिक्वेलिटी के आइडियाज स्प्रेड किए कि इंडिया में बहुत ज्यादा इनिक्वालिटी है इंडिया लड़कियों के लिए सेफ नहीं है और भी बहुत सारी चीजें पर अभी भी बहुत बड़ा सवाल बचा हुआ है कि टिकटॉक ने यूथ बर्बाद किया कैसे पहला टाइम कंजप्शन कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप से कहा होगा पांच मिनट और लेकिन वो पांच मिनट कब एक घंटे में बदल गया आपको पता भी नहीं चला पर ऐसा होता क्यों है डोपोमिन के कारण एक केमिकल जो रिलीज होता है आपको खुशी देने के लिए लेकिन आपको तो लग रहा होगा ना ये तो अच्छी बात है हमें खुशी मिल रही है फोन चला के लेकिन बड़े स्केल पे इसका मीनिंग बहुत अलग होता है जब आपका माइंड कॉन्स्टेंटली डोपोमिन रिलीज करता है तो वो ट्रेन हो जाता है छोटी चीजों पे खुश ना होने के लिए इसीलिए आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जहां पर आपको खुश होना चाहिए था वहां पर भी आपने खुशी नहीं दिखाई इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कॉन्स्टेंट डोपोमिन रिलीज जिसको रोकने के लिए आप सोशल मीडियाज चलाना बंद कर दीजिए रिचर्ड शहरू का एक बहुत अच्छा कोट है If something is free, then you are the product. मतलब अगर कोई चीज़ है, देन वो आपसे आपका समय ले रही है समय एक बहुत बड़ी करेंसी है जो छोटे स्केल पे हमको एक नॉर्मल बात लगती है लेकिन अगर कोई आपका समय ले पा रहा है देन वो आपका सबसे कीमती चीज ले पा रहा है दूसरा अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ये वाला लड़कियों को टारगेट करता है या सबको ये आप बताना कमेंट सेक्शन में फिलहाल आपने सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी हुई है और में हुई है। ऐसे फोटोज देख के लोग हो जाते हैं स्पेशली लड़कियाँ इनसिक्योर हो जाती है कि मैं मोटी हूँ मैं अच्छी नहीं दिखती एनऑल इन सारी चीजों को वो अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करने लग जाती है और ये सबसे बड़ा रीजन बनता है डिप्रेशन का इंडिया आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड पॉपुलेशन वाला कंट्री है यू और चाइना को पीछे छोड़ के अब आप बताओ यूथ इस हद तक इन्फ्लुएंस हो रहा है लेकिन इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा तीसरा साइबर बुलिंग एंड नेगेटिव कमेंट्स अभी अगर आप फेसबुक खोलोगे और वॉच सेक्शन में जाओगे तो आपको कैसे वीडियोस मिलेंगे वो तो छोड़ो पर कैसे कमेंट्स मिलेंगे ये अनबिलीवेबल है लोग इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं बेकार की वीडियोस से ये समझ आता है वहाँ ये सिर्फ फेसबुक में नहीं होता बल्कि सारे सोशल मीडियाज में होता है इवन सारे कंट्रीज में होता है पर इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है लेकिन ये चाइना में नहीं होता क्योंकि वहाँ की सरकार ने रेगुलेशंस लगाए रखे हैं कि कोई भी बिना परमिशन के इंटरनेट में वीडियोस नहीं डाल सकता वहाँ सिर्फ चाइना के ऐप्स चलते हैं एंड ऑल इंडिया की गवर्नमेंट को भी ऐसे रेगुलेशंस जल्दी लाने चाहिए वरना कुछ ऐसा होगा जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है इंस्टेंट फेम आपको वो छपरी याद है जो फालतू के वीडियोस बनाकर कब इतने अमीर हो गए पता ही नहीं चला कि आज सबको इन्फ्लुएंसर बनना है और ये आसान भी है इसीलिए सबको लगता है कि अब जॉब्स खत्म हो गए पर रियलिटी बहुत अलग है एजुकेशन इज समथिंग जो आपको भले ही इतनी जल्दी उतना अमीर ना बना पाए पर वो लाइफ में काम आता है और फोन के आगे कमर ही लाने से तो लाख गुना बेटर है पर क्या सिर्फ टिकटॉक ने ये किया रुको इसकी कहानी खत्म करते हैं पहले ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी अचानक इंडिया की गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया पर क्यों शायद आपको जवाब पता है गवर्नमेंट को भी बड़े स्केल पे जवाब पता था पर कभी भी उन्होंने खुल के बताया नहीं मैंने आपको एक सवाल याद रखने कहा था कि मीडिया हर चीज़ नहीं बताती यहाँ पर भी वही हुआ मीडिया ने खुल के सच्चाई नहीं बताई और रीज़न दिया गया कि वो लोग हमारा डाटा ले रहे थे हाँ वो हमारा डाटा ले रहे थे लेकिन बड़े स्केल पर कहानी कुछ और ही थी दो में टिकटॉक ख़त्म हो गया फिर आए रील्स विद द सेम कंसेप्ट लोगों ने उसे देखा इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए यूट्यूब भी आया अपना नाम शॉर्ट्स रखकर लेकिन आज आपको भी पता है कि इंटरनेट पे ज्ञान से ज्यादा बेकार के वीडियोस भरी पड़ी हैं आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ इस सारे भगदड़ में बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा बॉलीवुड ये बहुत लंबे टाइम से करता आ रहा है बॉलीवुड का बल्कि आज एक मोटिव बन गया है कि अगर एक पिक्चर चलानी है धन आपको ये सब करना पड़ेगा आइटम सॉन्ग्स पुष्पा के सीन्स एनिमल मूवी के सीन्स और भी बहुत सारे मूवी हैं जिन्होंने ये चीज़ प्रमोट की बॉलीवुड से भी बड़ा हाथ है वेब सीरीज़ का इन चीज़ों में वेब सीरीज और मूवी आजकल बची ही नहीं है जो रियली में फ़नी हो जिनको आप देख के कुछ सीख सको और जो फैमिली के साथ देखा जा पाए इंडिया को बचा लो वरना बर्बाद हो जाओगे और क्या पता कलयुग भी ऐसे ही आए कि लोग भक्ति छोड़ के डोबोमिन हाइक वाली वीडियोज़ देख के बर्बाद हो जाए